अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम 6 साल की बच्ची के लिए लॉन फैब्रिक से एक टॉप बनाएंगे। और इसके लिए मैं ये एक फैब्रिक तकरीबन 1 मीटर इस्तेमाल कर रही हूँ, 1 से 1.25 मीटर इस्तेमाल हो सकता है। और ये दूसरा फैब्रिक हम डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करेंगे जो सिर्फ 0.5 मीटर इस्तेमाल होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस मेन फैब्रिक को जिससे हमने टॉप बनाना है, ये हमारा 1 मीटर फैब्रिक है। आपको अगर लेंथ बढ़ानी हो तो आप 1.5 मीटर तक इस्तेमाल कर लें। ये फैब्रिक की लंबाई है, ये कनी वाली साइड है और जितनी नॉर्मल लॉन फैब्रिक की चौड़ाई होती है उतनी ही है। हमने इसको एक बार चौड़ाई में फ़ोल्ड किया और अब दोबारा फ़ोल्ड करेंगे इस तरह से। और अब हम टोटल जो हमारी लेंथ है हम 24 इंच लेंगे और ऊपर से हमें 6 इंच की योक रखनी है, तो हम यहाँ पर 6 इंच की कटिंग कर लेंगे। तो 6 इंच का फैब्रिक मैंने यहाँ पर 4 लेयर्स में फैब्रिक पड़ा हुआ है और हम यहाँ से कट कर लेंगे। पहले हम योक बनाएंगे, शोल्डर के लिए हम 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे और आर्म होल के लिए हम 6 इंच पर निशान लगाते हैं। हमारा ये फैब्रिक ही 6 इंच है तो हम यहाँ पर भी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि योक हमने पूरी 6 इंच की नहीं बनानी, आधा आर्म होल हमारा निचले हिस्से में से आएगा। यहाँ से ये 6 इंच होगा सेंटर से और आर्म होल की साइड से हमारी योक 4 इंच की लंबाई की होगी। और इन दोनों पॉइंट्स को हम इस तरह गोलाई में मिला देंगे इस तरह से और कटिंग कर लेंगे। तो अच्छी सी गुलाई रखते हुए हम यहाँ से कट कर लेंगे इस तरह से। अब हम नेक के लिए मार्किंग करेंगे। नेक की चौड़ाई के लिए हम 2.5 इंच पर और गहराई के लिए 3 इंच पर निशान लगाएंगे और इन दोनों पॉइंट्स को गुलाई में मिला देंगे जिस तरह से आप नेक की शेप रखना चाहें। ये फ्रंट के लिए है और बैक के लिए हम 1.5 इंच गहराई रखेंगे और चौड़ाई बराबर रहेगी। पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, बैक का पार्ट अलहदा करके फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। तो हमारी फ्रंट और बैक के लिए योक तैयार हो गई है। इसके नीचे हमने टॉप को गैदर करना है, तो बाकी कपड़े में से हम गैदर्स बनाएंगे। ऊपर हमने थोड़ी सी शोल्डर स्लोप रखी है। ये हमारे पास बाकी का फैब्रिक है जो कि 4 लेयर्स में ही है। आर्म होल की साइड से हमने 1 इंच ओवरलैप करना है इसको और बाकी जितना भी कपड़ा होगा वो हमारे गैदर्स में आएगा। और जो हमने कंट्रास्ट में फैब्रिक लिया था 0.5 मीटर, इसमें से हम आधा यूज़ करेंगे गैदर्स के लिए, क्योंकि ये हमने सिर्फ फ्रंट पार्ट पर अटैच करना है। तो हमने इसको चौड़ाई में फ़ोल्ड किया और कट कर लिया। आधा हिस्सा हम टॉप में इस्तेमाल करेंगे और बाकी का आधा हिस्सा हम पाइपिंग लगाने के लिए यूज़ करेंगे। और इस हिस्से को हम सेंटर में इस तरह से अटैच करेंगे और ये सारे गैदर्स बन जाएंगे। कुछ गैदर्स इस फैब्रिक में से बनेंगे और बाकी सेंटर में इस फैब्रिक से गैदर्स बनेंगे और ये सिर्फ फ्रंट के लिए होंगे। अब हम लेंथ के लिए मार्क करेंगे। जो हमारा साइड का पीस है ये 20 इंच लॉन्ग है, ऊपर हमने योक भी दी है 6 इंच की। सिमिलर्स रखते हुए हमें 20 इंच का निचला हिस्सा काफ़ी है, तो हम यहाँ पर 20 इंच पर इस फैब्रिक पर भी निशान लगाएंगे और यहाँ साइड पर हम 2 इंच की स्लोप देंगे। तो दामन से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह गोलाई दे लेंगे और यहाँ से कटिंग कर लेंगे। अब हम आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। आर्म होल के लिए हमने 6 इंच पर निशान लगाना है। योक को हमने 1 इंच ओवरलैप करके रखा है इस तरह, क्योंकि हमें मार्जिन चाहिए जॉइंट के लिए। 6 इंच पर निशान लगाने के बाद हम यहाँ पर हल्की सी गोलाई देंगे आर्म होल की इस तरह से और कटिंग कर लेंगे। अब हमारे निचले हिस्से की भी कटिंग हो गई है, हमने सिर्फ यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिमिंग करनी है इस तरह से। तिरछा सा कट लगाएंगे ताकि थोड़ी सी गोलाई इस हिस्से में आ जाए, क्योंकि हमारी योक नीचे से राउंड है तो अच्छे से चुनटे आ जाएंगी। ये फैब्रिक हमारा सिर्फ फ्रंट पार्ट पे आएगा, सेंटर फ्रंट में, इसलिए हमने इसको सिर्फ एक बार फोल्ड किया हुआ है और इस तरह चुनटे बनेंगी सेंटर फ्रंट में। जो बाकी का हिस्सा आप देख सकते हैं, ये हमारा फ्रंट और बैक है। ये ऊपर इस तरह से हल्की सी गोलाई है। फ्रंट और बैक को हम अलहदा कर लेंगे और सिर्फ फ्रंट पार्ट को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि हमने चेक फैब्रिक को सेंटर फ्रंट में रखना है। तो इस तरह से फ्रंट के हिस्से को सिर्फ फोल्ड करके सेंटर से हम कट कर लेंगे
और बैक के पार्ट में हम कोई कट नहीं लगाएंगे क्योंकि उसमें हमने कोई इस तरह एक्स्ट्रा गैदर्स नहीं रखने। अब ये हमारा बैक का पार्ट है और ये बैक की योक है। इन दोनों को हमने राइट साइड्स को आपस में मिलाकर जॉइन करना है। इस तरह हल्की सी चुरट सिर्फ सेंटर में आएगी। इस तरह राइट साइड मिलाएंगे और सिलाई लगाएंगे। इसके लिए हम योक के सेंटर में भी एक कट लगा लेते हैं और इसी तरह से निचले हिस्से में भी सेंटर में हम कट लगा लेंगे ताकि सेंटर को सेंटर से मिलाकर अच्छे से जॉइन कर लिया जाए। और फ्रंट पार्ट में ये हमारी फ्रंट की योक है और फ्रंट का हिस्सा हमारा इस तरह से स्प्लिट हुआ हुआ है और बीच में हमारा चेक फैब्रिक आएगा। इस तरह से तो इसके लिए पहले हम निचले तीनों पीसेस को आपस में जॉइन करेंगे। इस तरह इधर सिलाई लगाएंगे और इस फैब्रिक को इस साइड से यहाँ जॉइन कर लेंगे। तो देखिए मैंने तीनों पीसेस को आपस में जॉइन कर लिया है, ये आप जॉइन देख सकते हैं। और ऊपर के हिस्से पर मैंने एक साइड पर नॉट लगाई है नीडल थ्रेड से, यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए। और यहाँ पर हम रनिंग स्टिच करेंगे। इस तरह से हमें चुनटे बनाने में आसानी होती है। और यहाँ से हम एक्स्ट्रा थ्रेड रखेंगे, इसको हम खींचेंगे तो अपनी चुनटे एडजस्ट कर लेंगे इस तरह, तो बिल्कुल बराबर अच्छे से चुनटे आ जाते हैं। हमारा निचला हिस्सा तैयार है, इसको हम योक से अटैच करेंगे। और योक से अटैच करने के लिए हमने राइट साइड्स को आपस में मिलाना है। और इसके लिए भी हम सेंटर में एक नॉच लगाएंगे ताकि चुनटे दोनों तरफ बराबर आए। तो सेंटर में हमने छोटा सा कट लगा लेना है योक में भी और निचले हिस्से में भी। इसी तरह इसके सेंटर में भी, सेंटर में हमें कट लगा लेंगे। और अब हम योक को निचले हिस्से से अटैच कर लेंगे, राइट साइड्स को मिलाएंगे। यहाँ पर हम पिन लगा लेते हैं सेंटर में ताकि हमें अटैच करने में आसानी हो। और सिलाई हम इस साइड से लगाएंगे ताकि हम चुनटे एडजस्ट कर सकें। तो देखिए योक हमने नीचे रखी हुई है, सेंटर में हमने पिन लगाई हुई है और गैदर्स हम यहाँ पर एडजस्ट करते जाएंगे और साथ साथ सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने योक अटैच कर ली है। अब हम बैक का पार्ट लेंगे, इसके भी सेंटर में हमने नॉच लगाया है और योक पे भी हमने कट लगाया हुआ है। राइट साइड्स को आपस में इस तरह मिलाएंगे और सेंटर में पिन लगा लें और यहाँ से सिलाई शुरू करके दूसरे एंड तक हम सिलाई लगा लेंगे। बैक पे हमने एक्स्ट्रा कोई कपड़ा नहीं रखा इसलिए चुनटे वगैरह नहीं आएंगे। सिर्फ सेंटर में हम एक छोटी सी प्लीट बना लेंगे ताकि जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो वो उस प्लीट में आ जाए और बाकी योक पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फ्रंट पार्ट में हमारी योक इस तरह से अटैच हो गई है, नीचे गैदर्स अच्छे से आगे हैं। और बैक के पार्ट में हमारे गैदर्स नहीं बनेंगे, सिंपली हमने निचले हिस्से को ऊपर से अटैच कर लिया है। अब नेक की हमने फिनिशिंग करनी है, इसके लिए हमने बैक पार्ट पर स्लिट लगानी है। तो यहाँ सेंटर में हम 3 इंच तक की मार्किंग कर लेंगे और सेंटर बना लेंगे, इसको हम कट कर लेंगे। ये हमने निशान बना लिया है। अब हमने नेक की फिनिशिंग के लिए पाइपिंग तैयार करनी है। इसके लिए हम ये वाला फैब्रिक लेंगे जो हमने इस आधे मीटर से निकाला था, इसको हम इस तरह से तिरछा फोल्ड करेंगे और इसकी पट्टियाँ बनाएंगे। तकरीबन 1.5 इंच चौड़ाई की हम ये पट्टियाँ बना लेंगे।
ये हमारे नेक फ्रंट और बैक नेक लाइन के लिए काफ़ी हैं। और हम बाकी स्ट्रिप्स भी कट करेंगे क्योंकि हमने टॉप के दामन पर भी ये स्ट्रिप्स अटैच करनी है, पाइपिंग लगानी है। नेक की रॉन्ग साइड पर पहले हम ये पाइपिंग अटैच करेंगे। इसके लिए आपने स्ट्रिप को इस तरह फोल्ड कर लेना है और फोल्डिंग वाली साइड अंदर को रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे और फिर सीधी तरफ पलट लेंगे। इसी तरह बैक पार्ट पर हम ये सेंटर में हमने स्लिट भी बना ली है और उल्टी तरफ पहले हम ये पाइपिंग अटैच करेंगे और फिर राइट साइड पर पलट लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने नेक की रॉन्ग साइड पर ये पाइपिंग अटैच करनी है और बहुत ही आसान और नीट तरीका है ये पाइपिंग अटैच करने का। इसी तरह से बैक नेक पे भी हमने ये पाइपिंग अटैच कर ली है उल्टी तरफ। और चूँकि यहाँ पर हमने स्लिट भी लगाई है इसलिए आपने एक्स्ट्रा कपड़ा बीच में रखते हुए, मतलब पाइपिंग को बिल्कुल लूज़ रखते हुए अटैच करना है। एक्स्ट्रा मार्जिन हम ट्रिम कर लेंगे, बिल्कुल सिलाई के साथ साथ हम कपड़ा रहने देंगे और बाकी हम ट्रिम कर लेंगे। अब हम इस पूरे फैब्रिक को सीधी तरफ पलट लेंगे इस तरह से, तो ये बहुत अच्छी और नीट पाइपिंग बन जाएगी और टॉप स्टिच कर लेंगे। तो ये बहुत आसान तरीका है और इससे बहुत नीट फिनिशिंग आती है। तो बच्चों के कपड़ों पर इस तरह से आप पाइपिंग लगा लिया करें। बैक पे भी हम इसी तरह से एक्स्ट्रा कपड़े को ट्रिम करेंगे और पूरी स्ट्रिप को सीधी तरफ पलट कर टॉप स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से इतनी नीट से फिनिशिंग आ जाती है पाइपिंग की। बिल्कुल इसी तरह से बैक पार्ट के लिए भी हमने फोल्डिंग करनी है राइट साइड पर और टॉप स्टिच कर लेंगे। तो देखिए हमारी फ्रंट और बैक नेकलाइन भी तैयार हो गई है। फ्रंट पे हम यहाँ पर लेस अटैच करेंगे, यहाँ पे फ्रिल भी अटैच की जा सकती है, वो भी बहुत अच्छी लगेगी। मैं यहाँ लेस अटैच करूँगी और लेस अटैच करने के बाद हम फ्रंट और बैक को आपस में मिलाएंगे, राइट साइड्स आपस में फेस करेंगे इस तरह से और शोल्डर से हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए शोल्डर से हमने सिलाई लगा ली है। अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे, तो इसके लिए हम स्लीव्स रेडी कर लेते हैं। ये हमारे पास जो कपड़ा बचा है इसको हमने चौड़ाई में फ़ोल्ड किया और एक बार फिर फोल्ड करेंगे, दोनों स्लीव्स के लिए कपड़ा आ जाएगा। ऑन फोल्ड इसकी चौड़ाई तकरीबन 9.5 इंच है और लंबाई 14 इंच है। हम 3/4 स्लीव्स बनाएंगे। ऊपर हमने आर्म होल के लिए मार्किंग करनी है लेकिन हम एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ मार्किंग नहीं करेंगे, हम इस सारे कपड़े को ही आर्म होल के लिए रख लेंगे। तो सिर्फ मार्जिन छोड़ते हुए मैं यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगा रही हूँ और यहाँ पर मैंने आर्म होल की स्लोप दी है इस तरह। इसकी वजह यह है कि जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा होगा वो हमारा सेंटर में शोल्डर के ऊपर चुनट बन जाएगा, तो इसलिए हमें कोई यहाँ पे मार्किंग की ज़रूरत नहीं है। और नीचे हमने कोई कटिंग नहीं करनी, हम सीधी सिलाई लगाएंगे क्योंकि हम इलास्टिक स्लीव्स बना रहे हैं और हमें नीचे चुनटे चाहिए, इसलिए हम यहाँ कोई कटिंग नहीं करेंगे। तो इस तरह से सिंपल से हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब हम इसको ड्रेस से अटैच कर लेंगे। स्लीव के सेंटर को हम शोल्डर से मिलाएंगे, यहाँ पर हम पिन लगा लेते हैं और बाकी आर्म होल को इस तरह मिलाएंगे हम और सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा आएगा सेंटर के नॉच तक उसको हम शोल्डर पर चुनट बना लेंगे और बाकी आर्म होल को फिर से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हम आर्म होल के साइड से सिलाई स्टार्ट करेंगे, सेंटर के नॉच तक जितना भी कपड़ा आगे बढ़ा हुआ है इसको हम शोल्डर पर इकट्ठा कर लेंगे। तो 2-3 चुनटें इस साइड पर बनाएंगे और इसी तरह से 2-3 चुनटें आगे को बनाकर स्लीव और ड्रेस के आर्म होल को आपस में मिलाते हुए एंड तक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमारी स्लीव अटैच हो गई हैं और शोल्डर पर थोड़ी सी चुनटें आई हैं, ये आप देख सकते हैं, और बाकी आर्म होल हमने सीधा सिलाई लगा लिया है। अब हमने दामन से फिनिशिंग करनी है, हमने कोई कटिंग नहीं की, वो अभी हम नहीं करेंगे। फ्रंट और बैक को आपस में मिलाकर अभी हम साइड की सिलाई लगाएंगे और दामन से फोल्डिंग हम बाद में करेंगे। तो सिंपली यहाँ स्लीव के बॉटम से साइड की सिलाई यहाँ तक लगाएंगे और इसी तरह दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा लेंगे।
साइड की सिलाई मैंने लगा ली है। अब हमने स्लीव के दामन की फिनिशिंग करनी है। इसके लिए हमने इस तरह से दो बार फोल्ड करना है, और जितने आपके पास इलास्टिक की चौड़ाई हो तकरीबन उतना आप फोल्ड करें और सिलाई लगा लें पूरे घेरे पर, जैसे हम शलवार का नेफा बनाते हैं। और थोड़ा सा हिस्सा हम अनस्टिच रहने देंगे जहाँ से हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। तो देखिए मैंने ये सिलाई लगा ली है, थोड़ा सा हिस्सा अनस्टिच रहने दिया है। इसके लिए मैंने दो इलास्टिक के पीस लिए हैं। इसकी लंबाई 7 इंच है, आप अपने बच्चे की कलाई के हिसाब से इलास्टिक की लंबाई लें। सेफ्टी पिन की मदद से हम इसको अंदर डालेंगे। और दूसरी तरफ से निकाल लेंगे। और यहाँ निकालने के बाद हम इस तरह ओवरलैप करके सिलाई लगाएंगे। देखिए मैंने 2-3 सिलाई लगा ली है। अब हम चुनरे बराबर एडजस्ट करके जो हिस्सा थोड़ा सा अनस्टिच रखा था इसको अब हम सिलाई लगा के बंद कर लेंगे। इस तरह से हमारी स्लीव तैयार हो गई हैं। अब हमने दामन में भी पाइपिंग अटैच करनी है। इसी तरह से पाइपिंग की स्ट्रिप्स लेकर फोल्ड करेंगे और उल्टी तरफ पहले अटैच करेंगे और फिर सीधी तरफ पलट लेंगे इस तरह से। तो देखिए दामन पे हमने पाइपिंग भी लगा ली है, हमारी स्लीव्स भी तैयार हैं और हमारा टॉप बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लेंथ आप अपने बच्चे की लेंथ के हिसाब से रखें, जितनी आप लंबाई चाहते हैं उस हिसाब से आप टॉप की लंबाई रखें। यहाँ पर मैंने तैयार लंबाई 24 इंच रखी है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।